ये कौन सा लैंडर का फॉर्म है गाइड्स? हे गाइड्स एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन डार्क राइजिंग वर्जन, जहाँ पे जो पिछली बार हम लोग ने फाइनली गेट आउट कर लिया था गाइड्स, फाइनली हम बाहर निकल चुके थे उस लैब से। बट अब दोस्तों लैब से तो बाहर निकल गए थे बट फिर डेजर्ट में अटके पड़े, बट डेजर्ट को भी हमने रीच आउट कर दिया। तो गाइज़र आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से आगे की तरफ, एंड यहाँ से जाते जाते मैंने इतने सारे बैटल्स गाइज़र कंप्लीट कर दिए हैं ऑफ स्क्रीन में, क्योंकि ऑल दो मैं ऑफ स्क्रीन में कंप्लीट करता ही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये पहले ही रख देता हूँ ताकि फिर एपिसोड के शूटिंग के दौरान जो है वो हमें ज़्यादा परेशानियाँ ना आए। कोई भी चीट मैंने इस्तेमाल नहीं की है, आई नो कि आप लोगों को तो पता ही है मैं चीट का ज़्यादा इस्तेमाल करता नहीं हूँ ज़्यादा किसी गेम में। ओके सो नीचे जो है यहाँ पे गाइज़र लाइट खड़ा है। ओके लैंडरस, यस मैं डिनाई नहीं कर सकता बट तुम काफ़ी ज़्यादा स्टबन हो, तुम गद्दार, तुमने सबको भेज दिया है डारोगिस के लिए। जो पोकेमोन तुम्हारे पास था वो अननेचुरल एंड ईविल है, और अप ट्रूफ ईविल ह्यूमंस और पोकेमोन्स सब लोग ग्रोडॉन के पीछे हैं। ओके लैंडर हमसे बात कर रहा है, जो आदमी है स्लोब्रो के साथ उसने मेरी यहाँ पर जान ले ली है, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करेगा बट वो तो बस हेल्प कर रहा है डार्क फोर्स को और मेरे वहाँ इस्तेमाल कर रहा है, उसे हराओ जल्दी से। ये बोला मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा अगर तुम मुझे बचाओगे तो। ओके मैं औरों की तरह तो स्लेव्स नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया था अपने ओन ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करने के लिए जो कि थे स्मॉल फेवर्स फॉर माय सुपीरियर्स और जो मुझे पावर ग्रांट करते हैं, उन्होंने मुझे कन्वीनियंट अलाइज दे दे साथ ही साथ और अपर हैंड भी दे दिया, अब मेरी अपनी साइड है। देन कि तुम एक डर्टी लीच हो, तुम कोई प्रोटेक्टर नहीं हो आरसीएस के, ये आयरॉनिक तुम्हारा नाम जो है ना लाइट, मुझे लगता है तुम्हें सूट नहीं करता। ओहो तुम चुप नहीं रह सकते बच्चे, तुम ना मेरे लिए फेवर करो, तुम बस अपना मुंह बंद रखो और मुझसे लड़ाई करो। ऑल राइट गाइज यार हियर वी गो, थ्रू द गेम वर्सेस द लाइट। ओके तो लैंडरस शायद हमसे ऊपर सैडली देख रहा है क्योंकि गाइज उसने लैंडरस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, आई डोंट नो कि क्या है बट ओके तो शुरुआत हो चुकी है इस सब बैटल की। एरोडैक्टल एंड गेंगार आ चुके हैं, तो इन लोगों के खिलाफ जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने जाने वाला हूँ अपना ड्रैगन पल्स एंड दी शैडो क्लॉ। यस इन दो मूव्स के साथ हम चले जाएंगे, इस पहले गेंगार को जो है वो डाउन कर देते हैं, एंड ऑल दो अगर गेंगार डाउन हो ही गया तो फिर जो है मुझे अच्छी बात रहेगी मेरे लिए आने वाले जो पोकेमॉन्स है उनको डाउन करने के लिए। ओके तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सुपर हिट डैमेज दे दिया था इसने, बट कोई बात नहीं यहाँ पर मैं ड्रैगन पल्स दे देता हूँ इसे, दैट्स इट। तो गेंगार को जो है गाइज़र मैंने यहाँ पे हरा दिया है। ओके तो ब्लेड जा चुका है लेवल 80 पर, दैट्स नाइस फॉर अस ऑल दो। ओके सो नेक्स्ट अभी गाइज़र यहाँ पर अभी गैराडोस, तो गैराडोस के खिलाफ भी ना है मैं क्या करता हूँ। ओके बफ हो रहे हैं हम बट कोई बात नहीं यार, यहाँ पर ना मैं जाते हैं फिर से ड्रैगन पल्स एंड टी लीफ ब्लेड, यस लीफ ब्लेड के साथ चले जाता हूँ पहले। तो पहले गैराडोस को अगर डाउन कर दिया ना तो फिर वो चैम्प को और ब्लेड को दोनों को ही ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकता, बट ब्लेड ने ही हमारे उसके गैराडोस को जो है वो डाउन कर दिया है गाइस। चलो अच्छी बात हो गई हमारे लिए, तो कोई भी डाउन करे। ओके सो नेक्स्ट अप है यहाँ पे आरेचॉप्स, अरे यार इसने अर्थक्वेक दे दिया एरोडैक्टाइल ने, एंड इसी के साथ अपना ब्लेड जो है वो डाउन हो चुकी है। सो गाइज़र यहाँ पर मैं अभी लेकर आ सकता हूँ अपने फ्लेम को, सो लेट्स गो, यहाँ पर मैंने ड्रैगन पल्स दे दिया है। सो गाइज़र यहाँ पर अभी हम जाते हैं दी ड्रैगन पल्स एंड दी थंडर पंच, यस फ्लेम थ्रोअर के साथ चले जाए क्या, यस यार फ्लेम थ्रोअर के साथ जाते हैं, अरे यार प्रोटेक्ट कर दी उसने, बट कोई बात नहीं वैसे भी मैं यहाँ पे आरेचॉप्स को जो है वो डाउन कर ही चुका हूँ। नेक्स्ट पोकेमॉन देख लेते हैं, टोटल आई गेस कि मैंने उसके दो पोकेमॉन ऑलरेडी डाउन कर दिए हैं, यस तीन पोकेमॉन ऑलरेडी मैंने डाउन कर दिए हैं उसके। हे ये कौन सा लैंडरस का फॉर्म है गाइस? वो ये मैंने पहली बार देखा है लैंडोस हार, सच्ची में यार ये फॉर्म मैंने पहली बार देखा है लैंडरस का, और तो मुझे सच्ची में नहीं पता कि ये फॉर्म कौन सा है लैंडरस का,
बट अगर आप लोगों को पता हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों ने जैसे मुझे कमेंट करके बताया था गाइज, जैसे कह सकते हो कि गाइज उसके खिलाफ जब हम लोग बैटल कर रहे थे अगेंस्ट दी जिम लीडर, कह सकते हो कि जिम लीडर हम लोग का फिफ्थ बैच, तभी भी आप लोगों ने बताया था मुझे। सो प्लीज़ आज भी गाइजर प्लीज़ बता दो कि ये कौन सा मतलब कि फॉर्म है, मैंने ये कभी फॉर्म देखा नहीं है वैसे अगर देखे जाए तो। सो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ गाइजर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बट ये फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको टारगेट नहीं करता। अभी जो है ना मैं सबसे पहले जो हूँ इसको ही टारगेट करता हूँ, जो इलेक्टर यहाँ पर आ चुका है उसको ही हम टारगेट करते हैं। एंड आप लोगों तो मैंने ऑलरेडी कहा था ना गाइज कि आज मतलब कि कुछ दिनों के लिए मैं एपिसोड के जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी कम कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने जो और दो रेमेनिंग जो अपना जो नया प्रोजेक्ट गाइजर स्टार्ट होने वाला है ना कल, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे काम सब करना है ना, दैट इज़ द रीज़न कि ये वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट आ रही है, मतलब कि ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो। बट गाइज यार यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंटेंट हम लोग कंप्लीट करने ही वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से। बस कुछ दिनों के लिए गाइज यार सब्र करना, बड़े बड़े वीडियोस भी आएंगे, 10-20 मतलब कि 20-30 मिनट के भी वीडियोस आएंगी पोकेमॉन डार्क राइजिंग में। बट कुछ दिन मतलब कि ये वीक तो शायद और ये वीक थोड़ा सा चला लेना अपना काम छोटे छोटे वीडियो से। बट हाँ कल एक बड़ा एपिसोड आएगा अपना पोकेमॉन एक्स की जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज। यस फाइनली हम पोकेमॉन एक्स के साथ जाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार पोकेमॉन एक्स के साथ। तो गाइज यार यहाँ पर ना जल्दी जल्दी इस बैटल को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो जी हाँ गाइज यार यहाँ पर गलती से जो है वो गाइजर यहाँ पर गलती से जो है मेरा यहाँ पे रिकॉर्डर स्टॉप हो गया, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे लाइट को तो डिफीट कर दिया, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लैंडरस को भी कैच कर दिया है। जी हाँ गाइज यार लैंडरस हमारे पीसी में जा चुका है। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे लैंडरस को ऐड करना चाहिए या फिर नहीं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, वरना मैं उसे अपने कह सकती हूँ कि लेजेंडरी हंटिंग होती है ना उसके टाइप में डाल दूंगा। ओ यहाँ पे चारिज़ार्ड भी है यार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, वो भी हाई लेवल का है चारिज़ार्ड, आप देख ही सकती हो गाइज यार। यहाँ पर अभी मुझे हीलिंग नहीं मिली तो वरना फिर यहाँ पर हम लोगों का काफ़ी जो है वो काम खराब हो जाएगा। ऑल्दो रेबल इस्तेमाल कर दिया है मैंने यहाँ पे, सो लेट्स गो गाइज यार यहाँ से अभी हम सीधा नीचे की तरफ चले जाते हैं, भाग के जा रहा हूँ मैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है। ओह तो ये रही चांसी, चलो यार अच्छी बात हो गई कि चांसी मिल गई हमें यहाँ पे। सो लेट्स गो यहाँ से अभी सीधा नीचे की तरफ चले जाते हैं, अभी मुझे जल्दी से जल्दी जो है वो बाहर का रास्ता नहीं करना है। इन्फर्नो माउंटेन की तरफ हम आ चुके हैं, ऑल्दो यहाँ से भी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रास्ते काटने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने चैम्प को जो है गाइज यार फर्स्ट पे स्विच के रख रहा हूँ, एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अपने बैटल्स नहीं हो रहे हैं। यस अगर बैटल्स होते ना तो और भी ज़्यादा जो है वो टाइम पास हो जाता था, बट बैटल्स हो नहीं रहे हैं तो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है। ओके तो ये रहा, बट ये भी एडमिन ही था उन लोगों का, तो इसको भी हमने डिफीट कर दिया है गाइज। तो चलो अभी सीधा यहाँ से नीचे की तरफ, ओके और अंदर जाना है हमें, ओके और अंदर चलेगा मुझे कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर अभी मुझे चांसी नज़र आ चुकी है, सो आई गेस कि आने वाले जो बैटल होगा वो हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्लीज़ गाइज यार दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर चलो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे यार फॉलो कीजिएगा, मेरी सोशल मीडिया की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ऑल्दो, एंड आप यू कैन गो चेक इट आउट दैट लेटर। एंड आज की इस वीडियो के लिए नहीं रखता हूँ मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस।